In this, in this section, I will be talking about the three dimensions of risks transfer. So, that means that if you are fearing or you, you see that in a, for a certain business activity you may get exposed to a certain risk, so you can develop a strategy ke hum apne is risk ko jo hum expose risk business expose ho sakte hai. हम उसको किसी थर्ड पार्टी पे किसी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर थर्ड इंडिविजुअल को किसी और को ये रिस्क को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इसके तीन डायमेंशनस हैं या तीन तरह से आप अपने बिजनेस के रिस्क को किसी और इंसान को इंस्टीट्यूशन को या बैंक को अपने रिस्क को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और वो तीन तरीके इंक्लूड थ्री डायमेंशनस ऑफ रिस्क ट्रांसफ़र इंक्लूड नंबर वन हैजिंग देन वी हैव गॉड द इंश्योरिंग and the third one is diversifying so when we say hedging it is a strategy in which through which the investor or the financial decision maker tries to limit the risk to which he or she is going to be exposed to in future so if there is a chance that you may get, a, get into a situation where there could be losses तो आप हेजिंग कर लेते हैं किस तरह से आप अपने रिस्क को ट्रांसफ़र करते हैं थर्ड पार्टी को और इसमें जो इसमें क्या हो सकता है कि आपको कोई लग रहा है कि आपने आपके पास कोई ऐसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो कि हाई रिस्क हैं हाई रिस्क डिफ़ाइन हो गई हैं आपको लग रहा है कि इसमें हो सकता है मुझे नुकसान हो जाए तो आप उसको हेजिंग के स्ट्रैटी को फॉलो करते हुए किसी दूसरे इंसान को उसको बेच देते हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जब आप बेच देंगे उसको तो आपको नुकसान से तो आपने बचाया आपने अपने आप को लेकिन अगर उसमें नुकसान नहीं होता फ़ायदा हो रहा होता इन केस इफ़ देर आर एनी गेंस लिंकड अप विद दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सो इफ यू आर गोइंग टू सेल इट फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग द स्ट्रैटी ऑफ हैजिंग तो आप उसके गेन को भी लूज कर देते हैं सो इट्स नॉट जस्ट कि आपने लॉस को अवॉइड किया आप उसके गेन को भी अवॉइड करें जाहिर है आप अब आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है आप उससे अगर इन केस फ़ायदा हो जाए तो आप उसको पहले से निकाल चुके हैं बेच चुके हैं किसी को ट्रांसफ़र कर चुके हैं अपने रिस्क को तो आपसे उस आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा तो इसकी एग्जांपल हेजिंग की हम देखते हैं कि अक्सर ये होता है कि जो फार्मर्स हैं इस उनको पता नहीं होता कि जब फाइनल जो पूरा क्रॉप मार्केट में जाएगा कट के हारवेस्टिंग होकर तो उसकी क्या कीमत मुतयन होते होने जा रही है हो सकता है हमें नुकसान हो जाए हो सकता है हमें फ़ायदा हो तो वो अगर ये फ़ियर कर रहे हैं कि हो सकता है नुकसान हो जाए तो वो अपने रिस्क को ट्रांसफर कर देते हैं थ्रू हेजिंग के मार्केट में जाने से पहले ही वो अपनी जो फसल है तैयार उसको वो किसी को बेच देते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा उनको दे आर दे हैव ट्रांसफर्ड देयर रिस्क टू थर्ड पार्टी टू होम दे हैव सोल्ड देयर क्रॉप बट एट द सेम टाइम उन्होंने अपने आप को बचा लिया है उस पॉसिबल फ़ायदे से या प्रॉफिट से जो हो सकता था अगर कीमत का तयन हायर हो जाए जो उन्होंने जैसे सोचा था कि फ्यूचर में कीमत जो भी मुतयन होने वाली है मार्केट फोर्सेस से अगर कीमत ज़्यादा हो गई तयन उनको प्रॉफिट हो रहा है तो अगर वो पहले से बेच देंगे तो उनको उनको उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा तो दिस इज़ द कॉस्ट विच यू हैव टू पे इन केस ऑफ हैजिंग द नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज इंश्योरिंग और इंश्योरिंग में क्या है कि देर आर सो मनी इंश्योरेंस कंपनीज़ जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज सेल करती हैं जो कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं आपके जो इंडस्ट्री के जो मशीनरी है एकमेंट्स हैं उनको वो इंश्योरेंस देते हैं तो आप अपने गैजट्स को या लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लें उससे आप अपने रिस्क को ट्रांसफ़र करते हैं टू द इंश्योरेंस कंपनी अब इसमें क्या हो रहा है आपको प्रीमियम देना पड़ता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल देर इज़ ए कार जो आपने मसलन बीस लाख रुपए की ली है अब वो चोरी हो सकती है उसके अंदर कोई आग लग सकती है कोई नुकसान हो सकता है तो इसके लिए इसको प्रोटेक्ट करने के वास्ते अपने आपका रिस्क को ट्रांसफ़र कर दिया आपने आपने बोला हम एक इसका कार का कार को इंश्योरेंस इंश्योर कर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से और उसके लिए दे विल टेल यू कि हमें अगर तीस हज़ार रुपए आप महाना प्रीमियम देंगे तो इन केस कोई डैमेजेस हो जाते हैं गाड़ी को एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी और मसला हो जाता है तो हम उस डैमेजेस को कवर करेंगे तो आपने क्या किया है कि कुछ थोड़ा पैसा दे के प्रीमियम का आपने अपनी रिस्क को ट्रांसफ़र कर दिया है उस रिस्क को जो आपको लग रहा है कि जब गाड़ी सड़क पर निकलेगी तो देर में भी अब पॉसिबिलिटी के उसमें एक्सीडेंट कोई ख़राबी पैदा हो जाए उसके मशीन में इंजन में या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो उस वक्त नुकसान कौन भरेगा मुझे भरना पड़ेगा तो मुझे ज़्यादा लॉसेज होंगी नुकसान हो जाएगा तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेते हैं फिर और वो आपके बिहाफ के ऊपर उस गाड़ी को रिपेयर करेगी जो भी डैमेजेस हो गए उसका वो पे करते हैं तो आपको आपने इस तरह से अपने रिस्क को मैनेज करा होता है देर इज़ अनादर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज़ वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस इंश्योरिंग एंड हेजिंग? तो जैसे मैंने पहले बताया इंश्योरेंस में आप अपनी रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र करते हैं मगर ऐसा करने से जो आपकी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या आपकी जो एसेट है जिसको आपने इंश्योर किया है रिस्क को अवॉइड करने के लिए उससे जो भी पॉसिबल गेंस हो रहे हैं फ़ायदा जो आपको पहुँचेगा वो आपको पहुँचेगा लेकिन हेजिंग में ऐसा नहीं हो सकता हेजिंग में जब आप अपने एसेट को बेच देते हैं रिस्क को अवॉइड करने के लिए तो उसमें जो भी अब जो भी प्रॉफिट होगी जो भी फायदा पहुंचेगा, वो उस नए बायर को होगा आपको नहीं हो सकता क्योंकि आप अपनी ओनरशिप से उस पर्टिकुलर एसेट को निकाल चुके हैं फाइन हैजिंग करने की वजह से तो दीज आर दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंश्योरिंग एंड हैजिंग

आप उससे कोई एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर सारे पाँच लाख रुपए नहीं डाल देते दे। क्योंकि अगर उसमें नुकसान होगा तो आपको नुकसान काफ़ी बड़ा हो सकता है तो आप क्या करते हैं आप उस पाँच लाख रुपए में से दो लाख रुपए किसी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देंगे बाकी के पैसे टुकड़े टुकड़े करके या पूरे तीन लाख रुपये आपने किसी और बिजनेस में डाल दिए तो इन केस अगर दोनों बिजनेसिस में से कोई एक में गड़बड़ होती है लॉसेज आ जाती हैं तो आपको दूसरा जो आपने कहीं और पैसे डाले हैं वहाँ से हो सकता है आपको कोई मुनाफ़ा हो जाए आपको कोई फ़ायदा पहुँच जाए तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रांसफर द रिस्क और वी कैन मैनेज द रिस्क बाय डाइवर्सिफाइंग एज वेल सो जो जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं दे ऑलवेज टेल यू टू डाइवर्सीफाई दे लोग जो हैं वो म्यूचुअल uh, फ़ंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट तरह के आपके पास लेस रिस्की मोर रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने पूल करके एक पोर्टफोलियो बनाया होता है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो अगर एक चीज़ एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नुकसान हो रहा है या एक स्टॉक के अंदर नुकसान हो रहा है तो बाकी के जो स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो के हिस्सा बने हुए हैं वो आपको बचा लेते हैं बहुत बड़े नुकसान से सो दिस इज़ हाउ People go for diversifying and they can go for hedging, they can go for insuring, and these are the three major dimensions of risk transfer.